देखिए 2020 में थाना दक्षिण टोला पर एक मुकदमा तहसीलदार सदर मऊ की तरफ से दर्ज कराया गया था, जिसमें उनकी तरफ से कहा गया था कि विकास कंस्ट्रक्शंस नाम की एक कंपनी है जिसमें मुख्तार अंसारी की जो वाइफ हैं आफशा अंसारी और अन्य पार्टनर्स के द्वारा इसमें कूट रचित दस्तावेजों के तहत सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण किया गया था और उसी पर इनके द्वारा जो लोन भी लिए गए थे वो भी फर्जी दस्तावेजों के तहत लिए गए थे। उसी मुकदमे में सभी पर चार्जशीट लगाई गई थी। उस आधार पर और अन्य जो इनका एक पुराना लंबा आपराधिक इतिहास पूरे परिवार का रहा है उसके अनुसार थाना दक्षिण टोला पर FIR संख्या 20/22 गैंगस्टर अधिनियम उत्तर प्रदेश समाज विरोधी एवं गिरोहबंद गतिविधियां प्रतिषेध अधिनियम के तहत दर्ज किया गया था। उस क्रम में इनके जो गिरफ्तारी के प्रयास हैं वो किए जा रहे हैं। बार बार जो माननीय न्यायालय के नोटिस हैं, पुलिस की जो कार्यवाही है उसकी अवहेलना तो इनके द्वारा लगातार की ही जा रही है। जो माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW और अन्य प्रक्रिया और अन्य नोटिस भी हैं वो उसका भी अवहेलना इनके द्वारा किया जा रहा है। आपको ज्ञात होगा कि थाना महानगर पर एक कूटरचित दस्तावेजों के द्वारा जो एक शस्त्र लाइसेंस इनके पुत्र अब्बास अंसारी जी जो करंट में विधायक भी हैं यहाँ से उनके द्वारा लिया गया था, उसमें भी माननीय न्यायालय द्वारा इनके खिलाफ कई सम्मन जारी किए जाने पर इनके द्वारा उपस्थित ना हुए जाने के कारण एक NBW जारी किया गया। उसी NBW के क्रम में जब इन्हें बार बार यहाँ आने के लिए जो भी चीज़ें जो भी विधिक प्रक्रिया है उसके अंतर्गत नोटिस भेजे गए तो इनके द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय द्वारा जारी NBW की प्रक्रिया का अनुपालन न किए जाने के कारण जो भगोड़ा घोषित करने की एब्सकॉन्डर घोषित करने की अपराधी जो होते हैं उनकी जो कार्रवाई होती है धारा 82 CRPC के तहत उसका अनुपालन कराया गया है। उसी 82 जो CRPC है उस प्रक्रिया का तामीला करने के लिए हमारे वहाँ के पूरी टीम इंस्पेक्टर दक्षिण टोला इंस्पेक्टर सराय लखनसी और इंस्पेक्टर कोतवाली जो इनके गाजीपुर स्थित चार जगह है जो इनका पैतृक मकान है मुख्तार अंसारी का और जो इनके ससुराल का पैतृक मकान है जो इनके साले भी इसमें जो मुख्तार अंसारी के जो दो साले हैं अनवर शहजाद और आतिफ रजा इन दोनों के खिलाफ भी इसमें NBW था तो इसी क्रम में इनकी 82 की कार्रवाई की गई है। अगर 82 की कार्रवाई का अनुपालन इनके द्वारा नहीं किया जाता है तो अग्रिम जो भी सख्त से सख्त विधि कार्रवाई हो सकती है वो इनके खिलाफ अनुपालन में लाई जाएगी और यदि 83 जारी होती है तो उसमें जो कुर्की की प्रक्रिया है वो संपूर्ण तरीके से विधिक तरीके से कराई जाएगी। तो इससे बेहतर है कि ये लोग जो पुलिस है उसके सामने आ जाएं, अरेस्ट हो जाएं और जो विधिक प्रक्रिया है उसका सम्मान करें। इतना लंबा एक आपराधिक इतिहास इस गैंग का रहा है उसमें ये पाया जाता है कि जो भी विधिक प्रक्रिया की जितनी भी अवमानना और अपमान हो सकता है इन सभी के द्वारा किया गया। इनसे ये आपके द्वारा अपील भी है और अपील क्या है एक चेतावनी भी है कि अगर इनके द्वारा अब विधिक प्रक्रिया का अनुपालन नहीं किया गया तो जो कुर्की की कार्रवाई है वो पूर्ण जितना विधिक सख्ती हो सकती है उसके द्वारा की जाएगी। जी NBW जो पेंडिंग है हमें उसकी कॉपी प्राप्त हो गई है उसमें आगे क्या। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।